अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने बहुत यूनिक सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होगी। इसका नाम है काली मिर्च गोश। काली मिर्च गोश बनाने के लिए आपको चाहिए गोश 1.5 किलो। मैंने 1.5 किलो लिया है और इस तरह पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और दही 3 पाव, जितना गोश होगा इसके आधी दही डलेगी। 1.5 किलो गोश है, 3 पाव दही, 1 कप ऑयल, गार्निशिंग के लिए जिंजर जूलियन कट कर लिए, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 3 टेबल स्पून, और मसाले सिर्फ इसके अंदर काली मिर्चें 3 टेबल स्पून, और ये नमक, ये रॉ सॉल्ट है, पत्थर वाला नमक है, इसे हमने कूट लिया है, ये जाएगा। मिर्च मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम पर हमने एक पैन रख दिया है। इस पैन के अंदर हम गोश्त डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर काली मिर्चें और नमक डाल देंगे। अब ये पेस्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डाल देंगे। ये फीटा हुआ दही है, अब ये इसके अंदर डाल देंगे। अब ये तेल है, ये इसके अंदर डाल देंगे। तमाम चीज़ें एक साथ एक बर्तन में डालकर गोश्त गलने तक कुक करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। गोश्त है वो दही के पानी में और अपने पानी में ही टेंडर होगा। इसको गलने के लिए ढककर रख देंगे। आटे से सील करें तो बहुत ही अच्छा है, वरना फिर प्रेशर कुकर का कवर कर लें। प्रेशर कुकर का कवर कर लिया है मैंने, और फ्लेम को करते हैं ऑन, और 15 से 20 मिनट के लिए कुकर लगा देते हैं। और वैसे आप पतीली में पका रहे हो तो आप इसके ऊपर आटे से इसके कवर को सील कर लें। ये सबसे आसान काम है कि प्रेशर कुकर कर लें, ये सील हो जाएगा। अब 15 से 20 मिनट गोश्त गलने के बाद आपसे मिलते हैं। चलें अब हम खोल के देखते हैं। देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, देखें ये बिल्कुल गल चुका है। अब डिश आउट करते हैं। मिलते हैं डिश आउट के बाद। अब हम इसे अदरक से गार्निश करेंगे। जूलियन कट अदरक है, इसे हमने गार्निश किया है। अब लीजिए मज़ेदार काली मिर्ची गोश्त तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हमारी वीडियोस अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई यूनिक रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।